Hello guys, welcome to All Information for Visually Impaired, my official YouTube channel. यहाँ आप सभी को मिलती है fully accessible talkback के साथ ज्ञानवर्धक टेक्नोलॉजी जॉब अलर्ट से संबंधित नई नई अपडेट्स. इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक्स, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट. तो कंटिन्यू वॉचिंग इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल. सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे. सो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअल इम्पेयर्ड में. सो गाइज, आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया और आप समझ गए कि आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर आया है. जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जितने भी विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट्स हैं, करंट में कोई स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो इतना खास होने वाला है कि आप कहेंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कि वाकई में आपको कुछ ना कुछ लाभ इससे ज़रूर मिला है. लेकिन जो स्टूडेंट नहीं हैं और वो इस वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं, उनसे मैं दो ही बातें यहाँ पर कहूँगा कि अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. और दूसरी बात, इस वीडियो को अगर ये आपके काम का नहीं है, आपको लगता है कि भाई आपके काम का ये वीडियो नहीं है, तो इस वीडियो को सभी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचा देना. जितने भी आपके तमाम ग्रुप्स हैं, स्टडीज़ वाले या कोई भी ऐसा ग्रुप आपको लगता है कि जिस ग्रुप में ये वीडियो चला जाए और उस एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट की हेल्प हो जाए, तो ऐसा ज़रूर करना. जो भी लोग इस वीडियो को ये देख कर क्लिक किए हैं कि भाई आपके काम का है, तो वो वीडियो को पूरा देखेंगे ही देखेंगे. लेकिन जो लोग इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन के लिए यानी जानकारी के लिए देख रहे हैं, उनसे जरूर कहूंगा कि भाई आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना विजुअली इंपैक्ट स्टूडेंट तक, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके. तो चलिए अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि एक स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट है जो कि स्पेशली फॉर विजुअली इंपेयर्ड को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, अब कितनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, कब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर रहेंगे स्कॉलरशिप को लेने के लिए, और स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, कैसे आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और स्कॉलरशिप का आपको फॉर्म कैसे भरना है, सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है. ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर हो सकता है, लेकिन पूरा ज़रूर देख लीजिएगा. हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लें और आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएँ. लेकिन आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे या फिर आप वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाएंगे, तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप आपको कौन देगा और कैसे देगा और इस स्कॉलरशिप का मेन मोटिव क्या है. ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे जो कि विजुअली इंपेयर्ड से रिलेटेड हो, तो प्लीज आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को सभी तक शेयर करें, ताकि जितने भी विजुअली इंपेयर्ड हमारे इंडिया में या अदर कंट्री में सारे हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और उनको हर एक इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल पे मिल सके. और वीडियो पसंद आए तो हमारी मेहनत और हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक का बटन नीचे दबा दीजिए वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है, आप मुझ पे विश्वास रखते हैं कि भाई ये वीडियो वाकई में इंफॉर्मेटिव होने वाला है. ठीक है, तो लाइक कर दें वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, पास में बेल आइकन दिया हुआ है उसको ऑल पे जरूर सेट करें. ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. तो मैं आपको बता दूं ये स्कॉलरशिप आपको कौन प्रोवाइड कराएगा. दोस्तों, एक एनजीओज है, ठीक है, रोटरी इंटरनेशनल एनजीओज, उसका एक पार्ट है रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक. जी हाँ दोस्तों, रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक जो कि चंडीगढ़ में स्थित है एनजीओ एक, ये आप सभी को स्कॉलरशिप की अवसर दे रहा है, मतलब कि आप सभी के लिए एक स्कॉलरशिप का प्रोजेक्ट लेके आया है. अब इसकी पूरी डिटेल जानेंगे एक आर्टिकल के थ्रू, पहले इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म अपना भरना है और उसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, सारी जानकारी हम फॉर्म के थ्रू देखेंगे. ठीक है, और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको कब मिलेगी, वो मैंने इस वीडियो का लास्ट में आपको बता रखा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके. ठीक है,
चलिए मैं इस आर्टिकल को पहले पढ़ता हूँ और आप सब भी पढ़िए, इसको ध्यान से सुनिए। पहले इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है? सो लेट्स सी, चलिए आर्टिकल को पढ़ते हैं। Announcement Rotary Chantik or Shivalik, RCS, Scholarship for Visually Impaired Students 2022-23. Dear friends, Rotary Chantik or Shivalik has been offering scholarships to visually impaired students for pursuing higher education in India. The amount of fellowship is 20,000 RS. Till now, RCS has provided fellowship to approximately 100 students with visual impairment. For session 2022-23, scholarship form is out now. Last date for applying, November 15, 2022. Later than that, the form will not be accepted. The instruction for applying is given below. Instructions 1. Apply before November 15, 2022. 2. Provide correct details in the form. Incomplete or incorrect forms will be rejected. 3. The annual income of the applicant's family should be below 2.50 lakh from all the sources. An income certificate certified by the district magistrate should be attached along with as a proof of the same. 4. Scholarships are limited in number, therefore it will be given on merit basis. For any information or clarification, contact Amrinder Singh 9815805420 Mohit case ID 9466224738 email rcs.positive@gmail.com https://surveyheart.com/form/6339b146ba175266566d2763। चलिए दोस्तों, अभी हमने इसको इंग्लिश में रीड कर लिया, ठीक है? अब हम इस आर्टिकल को हिंदी में रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल, जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है स्कॉलरशिप को लेने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं फॉर्म भर के भी आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है? चलिए हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं। Copy translated, speak translated text. घोषणा दृष्टिबाधित छात्रों के लिए रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक RCS स्कॉलरशिप 2022-23। प्रिय मित्रों, रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दृष्टिबाधित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। फेलोशिप की राशि 20,000 RS है। अब तक RCS ने लगभग 100 दृष्टिबाधित छात्रों को फेलोशिप प्रदान की है। सत्र 2022-23 के लिए छात्रवृत्ति फॉर्म अभी जारी किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2022, इसके बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने का निर्देश नीचे दिया गया है। निर्देश 1, 15 नवंबर 2022 से पहले आवेदन करें। 2, फॉर्म में सही विवरण दें। अपूर्ण या गलत फॉर्म को अस्वीकार कर दिया जाएगा। 3, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख सभी स्रोतों से कम होनी चाहिए। इसके प्रमाण के रूप में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। 4, छात्रवृत्ति संख्या में सीमित है, इसलिए यह योग्यता के आधार पर दी जाएगी। किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण संपर्क के लिए अमरिंदर सिंह 9815805420 मोहित के सैनी 9466224738 ईमेल rcs.positive@gmail.com/form/6339b146ba175266566d2763। तो दोस्तों, अब हमने इसको हिंदी में पढ़ लिया, ठीक है? अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं फॉर्म भरने से पहले। आपको बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है, जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि 20,000 आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है? और ये जो NGO है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, RCS मतलब रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक, ठीक है? इसका फुल फॉर्म है ये रोटरी इंटरनेशनल NGOs का एक पार्ट है जो कि चंडीगढ़ में वर्क कर रहा है। और दोस्तों, ये पिछले 5 साल से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं एज ए विजुअली इम्पेयर्ड को। पहले ये केवल लोकल चंडीगढ़ में प्रोवाइड कराते थे, बट अभी इन्होंने बाहर के जो स्टेट्स हैं उनको भी देना शुरू कर दिया है, ठीक है? तो पिछले 5 सालों में ये 100 विजुअली इम्पेयर्ड को अब तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ यहाँ पे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि ये फिलहाल 6 स्टेट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। यदि आप इन 6 स्टेट्स में से आते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। यदि आप इन 6 स्टेट्स में नहीं आते हैं तो आप इसको मत भरिएगा, क्योंकि फिर आपको ये नहीं मिल पाएगी, ठीक है? तो वो 6 स्टेट कौन से हैं? सबसे पहला है आपका चंडीगढ़, दूसरा है आपका हिमाचल, तीसरा है आपका जम्मू, चौथा है आपका हरियाणा और पाँचवा है आपका दिल्ली, ठीक है? और पंजाब, ठीक है? तो दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, 3, हिमाचल, जम्मू और पंजाब, ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब इन 6 स्टेट्स में से अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी गांव या किसी भी शहर से आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। भर भी देंगे तो आपको ये नहीं मिल पाएगी। जैसा मुझे इस NGO के द्वारा बताया गया है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 6 स्टेट्स को ये दे पाएंगे इस बार, ठीक है?
और मुझे उम्मीद है कि नॉर्थ में हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस मेरी वीडियो को देखने के बाद इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे, ठीक है। और इसका जो वितरण है वो कब किया जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, वो वीडियो के लास्ट में मैंने आपको फॉर्म भरने के बाद बता रखा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक आ चुके हो, अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो लाइक करो यार वीडियो को, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है मैं आगे भी लाऊं या नहीं लाऊं, क्योंकि इस वीडियो से पता चल जाएगा कि आप लोगों को स्कॉलरशिप्स की भी नीड होती है और मैं ऐसी जो जानकारी है वो आप सभी के लिए लाता रहूं, ठीक है। तो ये तो हमने आर्टिकल्स को सभी पढ़ लिए हैं, ठीक है। बाकी जो ये आर्टिकल है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए हैं, इनकी ईमेल आईडी भी दे दी है, और जो आपको फॉर्म भरना है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। वहाँ से आप पिक कर सकते हैं, अन्यथा आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं कि भाई आपको फॉर्म डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप मुझे प्रोवाइड करा दो, तो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई में भी इसका फॉर्म दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ और देख लेते हैं किस तरीके से इसको भरना है। तो एक बार फिर से बता दूँ, रोटरी इंटरनेशनल एनजीओस का एक पार्ट है रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। ये हर साल विजुअल इम्पेयर्ड को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। इस साल 2022 से लेकर 2023 का सत्र इन्होंने ओपन कर दिया है। जिन्होंने पिछली बार ली थी वो अपना रिन्यू करा सकते हैं, रिन्यू का भी सेम प्रोसेस रहेगा। जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है वो भी फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करके अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब अगर उससे पहले मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं वो बात पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज़। तो सबसे पहले दोस्तों क्या रहेगा, आपकी 10th की मार्कशीट और आपका 10th का DMC, दो। उसके बाद आपका रहेगा 12th की मार्कशीट और 12th का DMC, ठीक है, ये सेट हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपका एक आधार कार्ड, आपका एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका एक कॉलेज का करंट प्रूफ, मतलब कि एक फ़ीस आपको स्लिप यहाँ पे देनी पड़ेगी जो आपने करंट में भरी हो, ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही परिस्थिति में आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर देना होगा, अपना ईमेल आईडी देनी होगी, सभी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, मतलब कि आपका एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और इस आर्टिकल में ये बात लिखी गई है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो स्कॉलरशिप है योग्यता के आधार पे लिमिटेड दी जाएगी, मतलब कि बहुत कम लिमिटेड लोगों को दी जानी है। तो आपकी योग्यता देखी जाएगी, आपकी मेरिट देखी जाएगी, अगर आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छी है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको ये मिल जाए, ठीक है। वैसे हो सकता है कि जिसकी कम हो उसको भी मिल जाए, बाकी अपने लक के ऊपर है सारा कि बहुत लिमिटेड लोगों को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप फॉर्म को ना भरें, आप फॉर्म को ज़रूर भरें, हो सकता है कि आपका लक हो और आपको ये मिल जाए, ठीक है। फॉर्म भरने में क्या जा रहा है ना। तो चलिए मैं आपको गूगल फॉर्म जो इनका दिया गया है उसको ओपन कर लेता हूँ एक बार। चलिए मैंने यहाँ पे इनका जो फॉर्म है इसको ओपन कर लिया, ठीक है। फॉर्म ओपन होते ही आपके सामने क्या क्या चीज़ें आएंगी उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा स्टार्ट सर्वे, उस पर आपको क्लिक करना है। RCS scholarship start survey, RCS scholarship form. देखिए RCS स्कॉलरशिप फॉर्म, ठीक है, स्टार्ट सर्वे, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको राइट स्वाइप कर करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या फील्ड यहाँ पे दी गई हैं, क्या क्या आपको फिल करना है। उसके बाद आपको बताते हैं कि भाई आपको स्कॉलरशिप कब मिलेगी, ठीक है। चलिए मैं राइट स्वाइप करते करते आगे चलता हूँ। RCS स्कॉलरशिप फॉर्म, देखिए इसकी हेडिंग आ गई। देखिए पहला यहाँ पे क्या दिया गया है कॉलम, आपका नेम, मतलब आपको आपका कंप्लीट नाम डालना है जो भी आपका 10th में है, ठीक है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको नेम डालना है, देखिए ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ हो आपका 10th में वही आपको डालना है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, ये भी आपको डालना है। थ्री में आपको क्या डालना है, फादर नेम, आपके फादर का नेम डालना है जो कि आपके 10th के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप अपना फादर का नेम डालेंगे। अब फोर में क्या है, मोबाइल नंबर, आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर वो वाला देना है जो आपका वर्किंग हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दें, पिताजी का दे दें, माता का दे दें, जो आपका खुद का हो वही आपको देना है, ठीक है, जो वर्किंग हो। जब आपको ये कॉल करें भाई, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करें भाई आपकी मेरिट में नाम आ गया है तो आपको स्कॉलरशिप मिलनी है, तो आपको डिटेल मिल सके, ठीक है। आगे चलेंगे,
ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको अपना एक करंट ईमेल आईडी डालना है जिससे आपको जब आपको ये कॉन्टेक्ट करें, कोई ईमेल करे तो आप रिप्लाई दे सके। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पे आपको आपका जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल अदर स्पेस सिलेक्ट, इस पर सिलेक्ट करके आप चूज करेंगे। रिक्वायर्ड सेवन एड्रेस, सेवन में क्या है एड्रेस, आपको आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है। टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, आपका जहाँ भी एड्रेस है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। रिक्वायर्ड एट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है अपना। टेक्स्ट बॉक्स, आप कौन सी सिटी में रहते हैं। रिक्वायर्ड नाइन स्टेट स्पेस, यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज करना है, कौन से स्टेट में आपकी सिटी है। सिलेक्ट रिक्वायर्ड टेन पिन कोड, यहाँ पे आपको आपकी सिटी का पिन कोड डालना है। टेक्स्ट बॉक्स रिक्वायर्ड इलेवन एनुअल फैमिली इनकम, यहाँ पे आपको अपने फैमिली की एनुअल इनकम डालनी है। आपकी फैमिली की एनुअल इनकम ऑल सोर्सेज से मिला के 2.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। यदि इससे ऊपर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। टेक्स्ट बॉक्स रिक्वायर्ड 12 अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, अब देखिए जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको आपका यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इनकम सर्टिफिकेट आपका वो होना चाहिए जो कि एक परमानेंट बनता है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोर्ट से एफिडेविट बनवा के इनकम यहाँ पे अपलोड करते तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है बटन अपलोड, ठीक है। Asterisk maximum allowed file size is 5 MB. देखिए मैक्सिमम जो फाइल का जो साइज है वो 5 MB तक है। PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, 5 MB से अगर ऊपर साइज होगा तो आपका ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं आपको अभी अपलोड करके तो नहीं दिखाऊंगा बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई इस फॉर्म को पूरा भर के दिखाओ, अभी तो केवल मैं आपको बता ही रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको भर के दिखाऊँ पूरा कंप्लीट, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा स्पेशली ये फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। Required. ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपका इनकम सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए जो कि एक डिस्ट्रिक्ट डीएम द्वारा जो भी प्रमाणित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एफिडेविट बनवा के ले आएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। 13. College, University, Department name. देखिए कॉलेज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट नेम, यदि आपका कॉलेज का नाम डिपार्टमेंट का नाम है जो भी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, आगे चलेंगे। Required. 14. Course name. कोर्स नेम, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ आपको जो भी आप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलेंगे। Required. 15. Date of admission. 15 में क्या है, डेट ऑफ एडमिशन, आपका एडमिशन कब हुआ है, कौन सी तारीख को हुआ है, कौन से मंथ में हुआ है, Space. वो आपको यहाँ पे चूज करना है। Required. ठीक है, आगे चलेंगे। 16. Fee paid for current academic year end. देखिए फी पेमेंट फॉर करंट एकेडमिक, दोबारा पढ़ लेते हैं। Required 16. Fee paid for current academic year end. मतलब कि आपका करंट ईयर है, आपने फीस कब भरी है आपने, ठीक है, उस करंट ईयर की फीस आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। सपोज जैसे आपका अभी एडमिशन हुआ है, आपने बीए में या एमए में एडमिशन लिया, तो आपको आपने फीस भरी होगी, उसकी जो स्लिप है वो आपको मिली होगी। ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। याद रखिएगा करंट की आप करेंगे, आप पिछले साल की नहीं कर सकते, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। टेक्स्ट बॉक्स रिक्वायर्ड टेक्स्ट बॉक्स 16. Fee paid for current academic year end. सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फी पेड मतलब आपने कितना फी पे किया है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, एडिट बॉक्स में आपने 1500, 2000, 10000 जितना भी पे किया है वो आपको डालना है यहाँ पे। सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत बता गया। Required. 17. अपलोड फी स्लिप, अब यहाँ पे अपलोड फी स्लिप, जो आपने फी ऊपर पे की है ना, जो आपने वहाँ पे कॉलम डाला है एडिट बॉक्स में, यहाँ पे उसी का ही एक प्रूफ आपको अपलोड करना है फी स्लिप का। जो आपको फी स्लिप मिली होगी उसको PDF में कन्वर्ट करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, Asterisk maximum allowed file size is 5 MB. यहाँ पे भी वही है कि मैक्सिमम जो फाइल साइज है वो आपका 5 MB का होना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। Required. 18. Name of last degree course. नेम ऑफ लास्ट डिग्री कोर्स, ठीक है, लास्ट डिग्री आपने कौन सी की है। अगर आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं तो 12th किया आपने, अगर आप एमए कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो जो भी आपके अकॉर्डिंग है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। टेक्स्ट बॉक्स रिक्वायर्ड 19 मार्क्स परसेंट ऑब्टेन्ड इन लास्ट क्लास, देखिए मार्क्स परसेंटेज ऑब्टेन ऑन लास्ट क्लास, जो भी आपने लास्ट डिग्री की है, चाहे आपने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे चलेंगे। Required. 20. Upload single PDF of following documents, card, medical certificate, 10th, 12th and last mark sheet, college card.
देखिए अब बड़े ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है और उसमें क्या क्या रखना है, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और आपका कॉलेज का आई कार्ड। एक बार दोबारा सुनते हैं। Required. 20. Upload single PDF of following documents, Aadhaar card, medical certificate, 10th, 12th and last marksheet, college card. देखिए आधार कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, 10th, 12th और लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो, और आपका आई कार्ड कॉलेज का, ठीक है। इन सभी की आपको एक सेपरेट पीडीएफ बनवानी है, चाहे आप किसी साइबर कैफे से बनवा लें, अगर आप खुद बना सकते हैं तो खुद बना लें, ठीक है। सबसे पहले ऊपर रखिएगा आप 10th की मार्कशीट, फिर रखिएगा 12th की, फिर ग्रेजुएशन की रख दीजिएगा, फिर उसके नीचे आधार कार्ड, फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फिर कॉलेज का आई कार्ड। इसकी एक सेपरेट पीडीएफ बना के आपको अलग से रखनी है और वो यहाँ पे अपलोड करनी है, बटन अपलोड पे क्लिक करके अपलोड करनी है, ठीक है। Asterisk, maximum allowed file size is 5 MB. 5 MB तक का जो मैक्सिमम साइज है वो यहाँ पे अलाउ किया गया है, उससे नीचे हो तो चलेगा, 5 MB से ऊपर का नहीं चलेगा, ठीक है। आगे चलेंगे। Required. 21. अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो। देखिए अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे दोस्तों आपको आपकी फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। पासपोर्ट साइज की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरनेस आनी चाहिए उसमें, ठीक है। आगे चलेंगे। बटन अपलोड पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। Asterisk, maximum allowed file size is 5 MB. 5 MB तक का साइज यहाँ पे भी मांगा गया है, रिक्वायर्ड है ये। Answered. ठीक है, आगे चलेंगे। Zero of 21. Done. डन, उसके बाद सबमिट बटन, ठीक है। जब आपकी ये सारी चीज़ें सबमिट हो जाएं, जो कॉलम दिए हैं एडिट बॉक्स वाले वो डाल दें, वो सबमिट हो जाए, डॉक्यूमेंट अपलोड हैं, उसके बाद सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास अगला पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपके पास लिखा आ जाएगा योर रिकॉर्ड हैज़ बिन रिकॉर्डेड, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमें मिल गया है, अब जल्दी हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप है ये फॉर्म भरना इसका स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो क्या है, यहाँ पे 15 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर लास्ट डेट है। अगर यदि आप इसको 15 नवंबर के बाद भरते हैं, वैसे तो ये फॉर्म डिस्क्लोज हो जाएगा, यदि फिर भी अगर आपको लगता है कि फॉर्म आपको दिख रहा है आप भर देते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और इस फॉर्म को भरने के बाद जो रिकॉर्ड आपके पास आएगा कि योर रिकॉर्ड हैज़ बिन रिकॉर्डेड, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये आपको कब मिलेगी वो हम बता देते हैं, ठीक है। तो ये जब 15 नवंबर की इसकी जो लास्ट डेट है वो निकल जाएगी, उसके बाद आप सभी की एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। उस मेरिट लिस्ट में देखा जाएगा भाई कौन कौन लोग वाकई में नीडी हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, तो उनकी एक मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद आपको दोस्तों ये स्कॉलरशिप कब मिलेगी, January/फरवरी। जी हाँ दोस्तों, या तो फिर जनवरी या फिर फरवरी, मतलब फरवरी एंड से पहले पहले आपको ये स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। अब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कैसे, वो आपको इनकी टीम कॉन्टैक्ट करेगी, जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा आपको व्हाट्सएप भी किया जाएगा, आपको ईमेल भी किया जाएगा और आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा थ्रू मोबाइल नंबर। आपको ये बताएंगे कि आपको कहाँ पर आना है और किस तरीके से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो जब आप जाएंगे, इनका इवेंट दोस्तों बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें का अरेंजमेंट होता है, लंच का भी होता है, रिफ्रेशमेंट भी होता है और बहुत ही मतलब आदर व मान के सम्मान के साथ ये लोग आपको स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। मैं इनके इवेंट में गया हुआ हूँ इसलिए आप सभी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडी वगैरह सब दी हुई हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और जनवरी या फरवरी 2023 की स्टार्टिंग में आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी और 20,000 आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और 6 स्टेट के जो लोग हैं वही इसको भर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू, ठीक है। ये 6 की 6 स्टेट ऐसे हैं जो इसको भर सकते हैं। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है ऐसी रह गई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों फिर से कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं सो गाइस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी विजुअल इम्पैक्ट तक शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।